तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल NP पालीवाल टीवी पे स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है खुद पे विश्वास। दोस्तों मैंने जो देखा है ना, वर्तमान में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या है, आत्मविश्वास की कमी हो चुकी है। उनमें खुद पे उन्हें विश्वास नहीं है। और मैं तो कहता हूँ असफलता के कई कारण होते हैं। उन असफलताओं के कारणों में से जो खुद पे विश्वास नहीं करना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर बंदे को खुद पे ही विश्वास नहीं है तो वो क्या पेपर अच्छा करेगा, क्या अच्छा कंपटीशन देगा। खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के वीडियो का यही हेडिंग है, टॉपिक है खुद पे विश्वास लाए कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको पांच ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप, मैं कंफर्म हूँ कि आपको खुद पे विश्वास आएगा। और अगर थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी कर देना, क्योंकि तो लाइक आज ये कम आने लगे हैं, तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ दोस्तों, और पहला पॉइंट, अगर आपको खुद पे विश्वास लाना है तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो मान ले किसी भी फील्ड में आप कोई तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी आप फुल करो। मतलब एग्ज़ाम देने से पहले कोई भी, आप मान ले कोई फील्ड दूसरा है, किसी भी फील्ड की जब तैयारी करो तो ऐसी तैयारी करो कि मन में ये बात आ जानी चाहिए कि अब मैंने इसकी तैयारी फुल कर दी है, अब तो कन्फर्म है मैं सफल होऊंगा। मतलब पहला पॉइंट क्या है, किसी भी फील्ड की, किसी भी जॉब की जो तैयारी है वो एकदम 100% अच्छी कर दो। पहला पॉइंट, अगर आपने अच्छी तैयारी कर दी तो पहले मन में एक पॉजिटिवनेस आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने तैयारी तो अच्छी कर ली। सेकेंड पॉइंट, तैयारी करने के बाद जब थोड़ा बहुत भी दिमाग में आएगा यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज़ को दिमाग से हाथों हटा दो। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, खुद के आसपास नेगेटिविटी को आने मत दो। अगर कोई आपसे थोड़ी बहुत भी नेगेटिव बात कर रहा है तो उससे हाथ जोड़ के कह दो भाई प्लीज़ मुझसे बात ही मत कर, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आ गई तो आपका अपने ऊपर विश्वास घट जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच को क्या रखना, सकारात्मक रखो, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, जिससे कि आपका खुद पे विश्वास बढ़ेगा। तीसरा, कभी भी अपने, ऐसा नहीं कि भाई आप परिवार वालों के सामने ना जाओ, ऐसा नहीं कि भाई परिवार से दूर जाओ, दिमाग में ये ले लो कि अगर सफल नहीं होऊंगा मैं परिवार से तब मैं सफल होने के बाद ही मिलूंगा, ये गलती मत करना। परिवार के पास आप जब जाओगे ना एग्ज़ाम से पहले, किसी भी फील्ड में जॉब दे, किसी फील्ड का एग्ज़ाम देने से पहले जब आप वहाँ जाओगे तो आपको परिवार वाले को मारेंगे थोड़ा ना, आपको वही कहेंगे बेटा अच्छा एग्ज़ाम होगा तो लोड मत ले। उससे आप में क्या होगा पता है, आप में एक पॉजिटिव फील बढ़ेगी, आपको लगेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी है, मेरे साथ मेरा परिवार है। अगर मैं थोड़ा बहुत चूक भी जाता हूँ तो मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर डर खत्म होगा तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, डर को खत्म करो अपने अंदर के, परिवार के साथ एग्जाम से पहले ज़्यादा ज़्यादा वक्त बिताओ, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी सकारात्मकता बढ़ेगी। तो पहला क्या पॉइंट बताया था मैंने आपसे, पहला एक तो है नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने अंदर के डर को खत्म करो और जितनी हो सके अच्छी से अच्छी तैयारी कर लो। इनसे खुद पर बढ़ेगा आपका विश्वास, खुद पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास और विश्वास अपने ऊपर बढ़ता है ना, तो सक्सेस जो है दोस्तों कन्फर्म मिलती है। तो सक्सेस पाने का भी एक तरीका है, खुद पे हमेशा बिलीव करो, खुद पे विश्वास करो। मैं तो कहता हूँ अगर एक बार हमें कुछ भी नहीं आता ना तो भी हमें विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ लिख देंगे। लेकिन अगर हमें ये है कि हमें सब कुछ आता है फिर भी हम सोच रहे हैं मैं ये लिख नहीं पाऊँगा, ये कर नहीं पाऊँगा, तो आप सोचिएगा कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। और खुद के, जिसे खुद पर विश्वास नहीं है इस दुनिया में वो सक्सेस तो हो ही नहीं सकता। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो और हमेशा अपने अंदर खुद पे विश्वास रखो। दूसरों से तो अपनी तुलना करनी नहीं, हर बंदे के अंदर अलग टैलेंट है, तो दूसरों से तुलना करने का कोई मतलब भी नहीं है। और कभी भी दूसरों को खुद से कम नहीं समझ दो, मतलब दूसरों को खुद से कम नहीं समझना, हम हमेशा श्रेष्ठ हैं ये सोच के चलोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो तो घमंड की बात है, घमंड की बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो यही है कि हमेशा खुद को, अगर आप विश्वास रहें खुद पर, खुद को अगर आप श्रेष्ठ समझोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर आप खुद को दूसरों से कम समझ रहे हो, नीच समझ रहे हो, तो बेटा जीवन में तो क्या, आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो। और अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, चैनल को NP पालीवाल टीवी को सब्सक्राइब करो और
इस जो चैनल का ये जो चैनल है ये चैनल हमेशा मोटिवेशन वीडियो से रिलेटेड ही रहेगा। बाकी जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स वाली है वो मैं न्यू चैनल निखिल पालीवाल पे आपको मैं हमेशा देता रहूँगा, ऐसे जाके उसको भी सब्सक्राइब करो। और जय हिंद जय भारत।